The name of subject is Highway and Traffic Engineering. So you must know the name of subject, that Highway and Traffic Engineering. The code for this particular subject is CE401. So Highway and Traffic Engineering के नाम से ही आपको ये पता लग रहा होगा कि what we will study in this particular subject. So there are two portions of this particular subject. One covers the major portion is about the highway engineering and the little bit portion is about the traffic engineering. Highway engineering में हम बहुत सारे portions cover करेंगे, जैसे highway engineering में जो जो भी चीज़ें हैं, just like the roads हो गए, types of roads हो गए, आपके roads पे जो भी cross sectional elements हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आपके कर्ब्स हो गए, आपके सेक्शन ऑफ रोड हो गया, उसके अलावा पेमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ पेमेंट, द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, द मटेरियल्स यूज्ड इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट, द कोर्स, सब बेस कोर्स, बेस कोर्स, ETC, एवरीथिंग रिलेटेड टू हाईवे इंजीनियरिंग. एंड इन सेकंड पोर्शन वी विल स्टडी अबाउट द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या क्या हो सकता है, पहले तो मैं आपको थोड़ा डिफाइन करूँगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रैफिक इंजीनियरिंग. उसके बाद हम ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस की तरफ चले जाएंगे. ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में क्या क्या आ सकते हैं, भाई ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ट्रैफिक सिग्नल्स, आपके ट्रैफिक मार्किंग्स, रोड मार्किंग्स या ट्रैफिक साइन बोर्ड्स, ये सारे आपके ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं. उसके अलावा हम फिर चले जाएंगे डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल की तरफ. ट्रैफिक सिग्नल, आप सिग्नल पे जब भी वहाँ पर रुकते हो, अगर गाड़ी कोई भी रुकती है तो आप देखते हो कि वहाँ पर तीन टाइप्स ऑफ टाइमिंग होती हैं. एक ग्रीन टाइम होता है, दूसरा येलो टाइम और तीसरा जो होता है वो दैट इज द रेड टाइम. तो उस ग्रीन टाइम, रेड टाइम और येलो टाइम को पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया जाता है किसी भी इंटरसेक्शन के लिए. तो हम वो डिज़ाइन करेंगे कि किसी भी इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रैफिक इतना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए हमें ग्रीन टाइम एलोकेशन कितना देना पड़ेगा या रेड टाइम कितना रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ETC जो भी मसला है. सो देर आर टू पोर्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियर्स. मेजर पोर्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी कवर्ड फॉर द पोर्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियर विल बी ऐसे समझे कि 70% 30% हो जाएगा. सो दिस इज लेक्चर 1 on highway and traffic engineering subject. These are the CLOs and PLOs of the subject. CLO 1 is about about applying the concepts of a highway engineering for geometric design and effective traffic management. Geometric design kya hai ye main aapko next slides mein batata hu. So these are actually the CLOs and PLOs of the subject. There are two CLOs of the subject in which taxonomy level will be covered as C3 and C6. There are actually 6 taxonomy levels of cognitive domain: C1, C2, C3, C4, C5 and C6. C3 is the intermediate level and C6 is the higher level of taxonomy level of cognitive domain. Okay, first of all, the overview of the subject. This actually course aims at providing the student an introduction to transportation engineering. अब ये चीज़ देखें, जो हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वो भी एक सब पोर्शन है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के. हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सब पोर्शन ही होते हैं, सब पार्ट्स ही होते हैं. मेजर जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ के आए हो. लेकिन उस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी आपने कुछ पोर्शन कवर किया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, खासतौर पर पोर्ट्स एंड हार्बर के हिसाब से. लेकिन उस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पोर्शन बहुत कम था ही नहीं. इसलिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग को, माने ट्रांसपोर्टेशन के एक पार्ट को यहाँ पर फुली पढ़ाया जाएगा. सो ऐसे समझो कि स्टूडेंट विल बी गिवन एन इंट्रोडक्शन अबाउट द होल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक्चुअली, बिकॉज द हाईवे एंड इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सॉरी द ट्रैफिक इंजीनियरिंग आर द पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. ओके, दिस कोर्स इज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू 5 मॉड्यूल्स. कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं या 5 पार्ट्स में कह सकते हैं आप इसको कि डिवाइड किया गया है, 5 पोर्शन में डिवाइड किया गया है इस पूरे सब्जेक्ट को. कौन कौन से पोर्शंस हैं? फर्स्ट पोर्शन इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग. अब इन 5 मॉड्यूल में से क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे हम, या इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या कवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में कवर करेंगे, ये मैं वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में. सो कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं?
इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, पेमेंट डिज़ाइन एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में क्या करेंगे, पेमेंट डिज़ाइन में क्या करेंगे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, वन बाय वन अभी हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग। इन द इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग वी विल डिस्कस एवरीथिंग द बेसिक्स अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। I will tell you what is actually the transportation, what are the objectives of transportation, what are the aspects of transportation, what are the three major pillars of transportation, etc., etc. And the main focus will be about the interaction of humans and vehicles actually and their impact on the society. क्या मतलब interaction of humans and vehicles? यहाँ पर एक technical term use होता है, the three pillars of transportation. वो अगर जब मैं आपको explain करूँगा ना, तब ये you will get know about the what is actually interaction of humans and vehicles. थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जो भी humans हैं या vehicles हैं, ये एक दूसरे पे interrelated हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हमारे इस particular दुनिया में vehicles हों लेकिन humans ना हों, तो ये vehicles हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर humans हैं और व्हीकल्स नहीं हैं, तो आज के दौर के हिसाब से हम ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, किसी भी जगह पर जा नहीं सकते विदाउट एनी व्हीकल। तो ऐसे समझो कि हमारे ह्यूमंस का भी कम फ़ायदा रह जाता है, जैसे हम अपने मींस जो है ना वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन एक तीसरा भी इनका एक इंटरेक्टिंग कम्पोनेंट है। देर आर एक्चुअली थ्री इंटरेक्टिंग कम्पोनेंट्स जिसको हम कहते हैं थ्री मेजर पिलर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसी स्लाइड्स में, नेक्स्ट स्लाइड्स में। मीन्स इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लिटिल बिट मोर अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, एक्चुअली द आल्सो द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स कौन कौन से हैं। ये आपने ट्रांसपोर्टेशन में ही पढ़ के आए हो कि भाई लैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेरेन ट्रांसपोर्टेशन होती है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, ये आप पहले ही पढ़ के आए हो। लेकिन इसका थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू दे देंगे। सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग से पहले व्हाट इज एक्चुअली प्लानिंग, पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो प्लानिंग को हम सिंपली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि टेकिंग डिसीजन इन एडवांस that how to do, what to do and when to do. इसका particular definition ये होता है planning का, means taking decision in advance what to do, how to do and when to do. किसी भी चीज़ के बारे में पहले ही decide करना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उस चीज़ को हम कहते हैं planning. Transportation planning मतलब कि आपके transportation के हिसाब से already decisions take करने हैं, already planning करनी है कि क्या करना है, कैसे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक रोड बनाना है किसी भी दो डेस्टिनेशन के ऊपर, ए और बी डेस्टिनेशन आपको कोई भी दिए जाते हैं, तो उस दोनों डेस्टिनेशन के बीच में आपको रोड बनाना है, तो उस रोड बनाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से डिसीजंस टेक करने पड़ते हैं उस। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है ये सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। प्लानिंग में भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि उसके एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग कौन से होते हैं, सर्वेज कंडक्टेड कौन से होते हैं, व्हाट आर दी बेस्ट पाथ बिटवीन टू डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ रीजन्स स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अलावा एक प्लानिंग का मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, कहते हैं सिक्स पीज ऑफ प्लानिंग। सिक्स पीज, पी कौन कौन से, प्रॉपर प्योर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, सिक्स पीज, प्रॉपर प्योर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब कि अगर आप पहले से ही अच्छी प्लानिंग करते हो तो आप किसी भी पुअर परफॉर्मेंस से या पुअर एंड रिजल्ट से बच सकते हो। किसी भी चीज़ की अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आप उसके उस पर्टिकुलर चीज़ के एंड रिजल्ट पुअर होने से बच सकते हो। लेकिन जब भी आप पेपर देते हैं
कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो पहले से प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, ये चीज़ पढ़नी है और पेन लेके जाना है वगैरह वगैरह, हर चीज़ें कवर करते हो, हर चीज़ अपने माइंड में रखते हो, पहले से ही डिसीजन लेते हो, फिर उसके हिसाब से अमल करते हो, उसके बाद जब पेपर में बैठते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कुछ भी सोचते ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत पढ़ के आ गए और आके बैठ गए पेपर में, तो उसकी उन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हर प्लानिंग के पोर्शन में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग हो या दूसरे टाइप्स ऑफ प्लानिंग हो। ये कह सकते हैं कि प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ कह रही है कि भाई इट विल द बेस्ट बेटर या बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंडीड। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज़ टू डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग हम डिस्कस करेंगे इसमें, एंड द मॉड्यूल्स यूज बाय मॉडल्स यूज बाय द ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स। एक्चुअली ये मॉडल्स जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लानर यूज़ करते हैं, ये मास्टर्स लेवल का टॉपिक है, लेकिन देखेंगे हमारे पास अगर टाइम बचा तो ये मॉडल्स भी पढ़ लेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के भी हमारे पास तकरीबन 10 से 15 हो जाएंगे लेक्चर, 10 लेक्चर मिनिमम हो सकते हैं, 10 लेक्चर भी बहुत हैं, इतना खास ही ये पोर्शन नहीं होता। ये हमारा पोर्शन जो है ना, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का पोर्शन, ये पोर्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है एक्चुअली? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द रोड, डिज़ाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द रोड। अब विजिबल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं किसी भी रोड के? अगर आप रोड के ऊपर खड़े हो जाओ या रोड के ऊपर वॉक करो, रोड के ऊपर गाड़ी चलाओ, तो आपको जो जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं दोज आर कॉल्ड एज द विजिबल फीचर्स ऑफ अ रोड, एंड डिज़ाइन ऑफ दोज कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। सो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं रोड पे, थोड़ा अपना माइंड को यूज़ करें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रोड पे। अगर हम किसी भी हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे आप देखोगे कि भाई आपका रोड सरफेस आपको विजिबल हो रहा होता है, वहाँ पर रोड मार्किंग विजिबल हो रही हैं होती हैं आपको, ट्रैफिक साइन बोर्ड्स आपको विजिबल हो रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स विजिबल हो रहे होते हैं, वहाँ पर साइड में जो कर्ब्स बने होते हैं वो आपको विजिबल हो रहे होते हैं, रोड्स पे आपको व्हीकल्स विजिबल हो रही होती हैं, रोड्स पे आपको ड्राइवर्स दिखाई दे रहे होते हैं। सो डिज़ाइन ऑफ ड्राइवर, डिज़ाइन ऑफ व्हीकल, डिज़ाइन ऑफ द कर्व्स, डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, दीज ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, मीन्स डिज़ाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑन द रोड ऑफ द रोड। इसको कहते हैं सिंपली द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। सो पढ़ते हैं इसको। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे डील्स विद द डायमेंशंस एंड लेआउट ऑफ विजिबल फीचर्स सच एज अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंसेज एंड इंटरेक्शन। एक अलाइनमेंट भी देखते हो ना, जब आप रोड पे होते हो तो आपको पता चलता है कि इसकी अलाइनमेंट कैसी है, चाहे उसमें सर्कुलर कर्व है या वर्टिकल कर्व है वगैरह वगैरह, ये भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट दोनों ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आते हैं। साइड डिस्टेंसेज क्या होते हैं ये मैं आपके बाद में बताऊंगा, साइड डिस्टेंस एक्चुअली। चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं लेकिन टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साइड डिस्टेंस का तकरीबन 3-4 लेक्चर हैं इसमें, डिसीशन 2-3-4 टाइप्स ऑफ, 5 टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेज होते हैं, द पासिंग साइड डिस्टेंस, डिसीशन साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ETC ETC। ये टाइप्स ऑफ डिस्टेंस साइड डिस्टेंस होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दी ऑल्सो द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शंस एट ग्रेड इंटरसेक्शन हो या ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, वो भी आपको वहाँ पर विजिबल होते हैं। एट ग्रेड इंटरसेक्शंस क्या होते हैं, ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन क्या होते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है यहाँ पर देने का, दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मॉड्यूल इज टू डिस्क्राइब हाईवे डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स मोर प्रिसाइजली, कॉन्स्टेंट्स एंड कंट्रोलिंग फैक्टर्स, जो जो भी कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं किसी भी हाईवे डिज़ाइन के लिए या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए वो पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स एंड इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स यूज टू डिज़ाइन प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द हाईवे अलाइनमेंट एंड द हाईवे क्रॉस सेक्शंस को, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, डिज़ाइन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स एंड डिज़ाइन ऑफ हाईवे अलाइनमेंट। मोस्टली जो आपने सर्विंग 2 में पढ़ा होगा ना कि
हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, ट्रांजिशन कर्व्स एंड सुपर एलिवेशन, ये चीज़ें भी इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आती हैं। इनके डिज़ाइन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ऑन द लेवल ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सर्कुलर कर्व्स हैं, डिज़ाइन होता है सर्कुलर कर्व का, ट्रांजिशन कर्व का, ये सारी चीज़ें हम इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऐसे समझो कि मेजर पोर्शन कवर करता है इस हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, मेजर पोर्शन। एक और चीज़ के चलो इसको छोड़ते हैं। ओके, पेमेंट डिज़ाइन, फोर्थ मॉड्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज पेमेंट डिज़ाइन। पेमेंट डिज़ाइन में क्या क्या करते हैं कि जो भी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें, पेमेंट डिज़ाइन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। होते तो तीन टाइप्स ऑफ पेमेंट्स हैं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, दैट इज़ दी फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द फिजिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, व्हाट आर द रिजिड पेमेंट्स। एक और टाइप ऑफ पेमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेमी रिजिड पेमेंट। उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आपको बताऊंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल पेमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिजिड पेमेंट, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। कैसे डिज़ाइन मेथडोलॉजीज होती हैं, कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं, भाई क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन होता है आपका, मटेरियल डिज़ाइन होता है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है किसी भी हाईवे का, पेमेंट का, ये चार चीज़ें इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एम्पेरिकल अप्रोचेज ऑफ द पेमेंट डिज़ाइन एंड मैकेनिस्टिक अप्रोचेज ऑफ द पेमेंट डिज़ाइन, अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, पेमेंट डिज़ाइन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एंड मैकेनिस्टिक्स रिलेशंस बिटवीन मटीरियल्स, ज्योमेट्री एंड परफॉर्मेंस। एक्चुअली ये एम्पेरिकल एंड मैकेनिस्टिक रिलेशंस बिटवीन द पेमेंट डिज़ाइन यहाँ पर लिख तो दिया है हमने, लेकिन ये हम कवर बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारा मेजर टाइम जो होता है ना, वो इसको फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट को एक्सप्लेन करने में और डिज़ाइन में गुजर जाता है, इसलिए ये पोर्शन हमसे रह जाता है। चलें, फिर भी बहुत सारा मेजर पोर्शन इसका पेमेंट डिज़ाइन का हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स एंड रिजिड पेमेंट्स, इंक्लूडिंग द ट्रैफिक डेटा, मटीरियल प्रॉपर्टीज एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें पेमेंट डिज़ाइन में पढ़ेंगे। चार मॉड्यूल हम अभी तक डिस्कस करके आए हैं। फर्स्ट मॉड्यूल वॉज द इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सेकेंड वॉज द ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, थर्ड वॉज द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, third is the geometric design, fourth is this payment design, and now the remaining the fifth module of this particular subject is traffic engineering. Traffic engineering में मैंने आपको पहले ही बताया कि traffic engineering में major portion हम cover करते हैं। पहले तो मैं आपको introduction दूंगा traffic engineering में, what is traffic engineering, then उसमें technical terms जो use होते हैं traffic engineering में वो हम कवर करेंगे। देन दी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, दैट आर दी ट्रैफिक साइंस, मार्किंग्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, हेज लैंड्स, ETC, इनके बारे में। देन दी डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, इसके बारे में हम मेजर पोर्शन हम कवर करेंगे। सो ट्रैफिक इंजीनियर में ये सी रही हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करेंगे। थोड़ा पढ़ते हैं इसको। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स ट्रैफिक साइंस, मार्किंग्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, हेज लैंड्स, ETC। ये क्या चीज़ें होती हैं ये हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसको कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉड्यूल इज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड द मेथड्स टू एस्टिमेट दोज पैरामीटर्स। कौन कौन से ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पैरामीटर्स हैं और उनको कैसे एस्टिमेट किया जाता है, जैसे ट्रैफिक फ्लो है, ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक काउंट है, पीक आवर वॉल्यूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, वो टेक्निकल टर्म्स आपको ऐसे समझो कि ऊपर ऊपर से गुजर जाएंगे। सो जब हम इस पोर्शन में आएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको कवर क्लियर हो जाएंगी। इट एग्जामिन्स वेज टू प्रोमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी थ्रू द यूज़ ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। बाय यूजिंग बेटर यूज़ और प्रॉपर यूज़ ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, आवर एम इज़ एक्चुअली टू मेक एंड सेफ एंड एफिशिएंट रोडवे सिस्टम। हमारा मेन एम यही होता है कि हमें सेफ़ एंड एफिशिएंट रोडवे सिस्टम
बनाना होता है बाय यूजिंग दीज आल ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, बाय प्रॉपरली डिजाइनिंग दीज आल ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। ओके भाई, आप लोगों ने अभी अभी 5 मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, याद होने चाहिए आपको इनके नाम, याद होने चाहिए। कल मैं आपको जब स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उसमें ये पूछूंगा कि व्हाट आर दी 5 मॉड्यूल्स ऑफ दी हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और थोड़ा बहुत मुझे बताएं कि 1st मॉड्यूल में क्या होता है, 2nd में क्या हो सकता है, 3rd में क्या हो सकता है, 4th में क्या हो सकता है, अपने वर्डिंग्स में आप बता सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ दी 1st मॉड्यूल, उसमें आप बता सकते हो कि सारी चीज़ें सर हम ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ETC, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के बारे में आप बता सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग हम पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, सर्वेज कंडक्टेड एंड दी स्ट्रेटजीज फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पार्ट बिटवीन 2 डेस्टिनेशंस ETC। उसके बाद 4th मॉड्यूल आपका आ जाता है जिद्दी, 3rd मॉड्यूल इज़ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मैं आपसे डेफिनेशन पूछूंगा कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है, आप बता देना कि भाई सर के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इज़ द डिज़ाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द रोड। फिर मैं पूछूंगा विजिबल फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप बताना कि भाई सर ट्रैफिक अलाइनमेंट हो सकती है विजिबल फीचर, ट्रैफिक क्रॉस सेक्शंस होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, मार्किंग होते हैं, जो भी चीज़ें रोड पे विजिबल हों उसको हम, उसके डिज़ाइन को हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बोलते हैं। उसके बाद 4th मॉड्यूल इज़ अबाउट दी पेमेंट डिज़ाइन, तो पेमेंट डिज़ाइन के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो आप बता सकते हो कि सर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों के डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे सिंपल। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग है 5th मॉड्यूल, तो आप बता सकते हो कि सर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग होती क्या है। उसके बाद ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, कंट्रोल डिवाइसेस हैं उसके बारे में, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, ट्रैफिक मार्किंग के बारे में, ETC उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिंपल 5 चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। ओके, नाउ दिस इज़ द TTP ऑफ टेंटेटिव टीचिंग प्लान ऑफ this subject highway and traffic engineering. So these topics we will cover in this particular subject, just like transportation system, introduction of transportation system, then evaluation of transportation system, highway planning, geometric design. Geometric design mein ye sari cheeze phir aa jayengi, design vehicle aap kya ho gaya, and design driver, design volume, side distance, cross sectional elements, ye sari cheeze geometric design ke portion mein aati hain. Ab dekhe na, starting ke sirf aur sirf 4 या 5 लेक्चर, लेक्चर नंबर यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन 4 से 5 लेक्चर हम कम से कम हम कवर करेंगे 1st मॉड्यूल और 2nd मॉड्यूल के। उसके बाद सारे जो लेक्चर्स हैं वो 3rd मॉड्यूल के स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऐसे समझो कि मेजर सब्जेक्ट है या मेजर पोर्शन है। और एक और चीज़ के ये जो 1st 2 मॉड्यूल हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड दी हाईवे प्लानिंग, ये सारा थ्योरेटिकल है, 100% थ्योरेटिकल है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कम होता है जब हम लेक्चर लेते हैं, बाकी उसके बाद जब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम स्टार्ट करते हैं ना, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बाद पेमेंट डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और उसके बाद जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वो भी कंसेप्चुअल होता है। मीन्स ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, द पेमेंट डिज़ाइन एंड द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल हैं। बाकी इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रैफिक प्लानिंग या ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ये थोड़ा इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, थ्योरेटिकल होता है, फिर भी हम कवर तो करेंगे, लाजमी कवर तो करना है हमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स आर दीज टॉपिक्स, क्रॉस स्लोप्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में देखें, हॉरिजॉन्टल कर्व्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ट्रांजिशन कर्व्स भी पढ़े हुए हैं, सुपर एलिवेशन भी पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपने नहीं पढ़ी होगी, यहाँ वर्टिकल कर्व्स में भी ग्रेड्स आपने पढ़े हैं, वर्टिकल कर्व्स आपने पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो हम इसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन द सेंस ऑफ हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होता है पेमेंट डिज़ाइन का। पेमेंट डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें देखें, अर्ली रोड कंस्ट्रक्शन मेथड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पेमेंट डिज़ाइन देन अर्ली रोड कंस्ट्रक्शन मेथड्स, ये सीरियल नंबर 21 है। अर्ली रोड कंस्ट्रक्शन मेथड्स मीन्स पहले स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन मेथड्स कौन कौन से फॉलो होते थे,
वो हम पढ़ेंगे, देन डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, देन डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, द मेंटेनेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट कंस्ट्रक्ट करने के बाद डिस्टर्ब हेलो अनम्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। ओके, अर्ली रोड कंस्ट्रक्शन मेथड में ये, उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पेमेंट। लाजमी है किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी मेंटेनेंस होती है। इसी तरीके पेमेंट तरीके से पेमेंट को भी जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसको मेंटेन किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो मेंटेनेंस कैसे होती है, कौन कौन से उसमें डिस्ट्रेसेस आते हैं और उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लाजमी पेमेंट जब होता है तो पेमेंट में पेमेंट डिटेरियट होने शुरू होता है, उसमें फेल्यूर्स आने शुरू होते हैं। कौन कौन से फेल्यूर्स होते हैं, रटिंग क्या होती है, फटीग क्या होती है, पोटोल्स क्या होते हैं, रेबलिंग क्या होती है, रेबलिंग शोविंग एंड कोरोगेशन क्या होते हैं, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ना फेल्यूर्स इन दी फ्लेक्सिबल पेमेंट के, ये हम इंशाल्लाह इसमें मेंटेनेंस ऑफ पेमेंट में भी कवर करेंगे। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसमें क्या क्या है देखें, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, वॉल्यूम स्टडीज़, वॉल्यूम स्टडीज़ में ट्रैफिक वॉल्यूम, पीक आवर फैक्टर, ये सारी चीज़ें वॉल्यूम स्टडीज़ में होती हैं। देन अबाउट दी हाईवे सेफ्टी एंड हाईवे कैपेसिटी, ये भी अच्छे टॉपिक हैं, हाईवे कैपेसिटी एंड हाईवे सेफ्टी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक मार्किंग वगैरह वगैरह, ETC जो भी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं की, 30 सीरियल नंबर के बाद एक और सीरियल नंबर आना चाहिए, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन दी हाईवे इंजीनियरिंग या पेमेंट डिज़ाइन। पेमेंट डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हमारे हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं ना या यूज़ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दूंगा लास्ट लेक्चर में, लास्ट एक या दो लेक्चर लूंगा जिसमें जो जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ये हमारे SSN जो TTP में रिसेंटली एड हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स टू बी यूज्ड इन द हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, ये TTP थी। उसके बाद है भाई, दीज आर दी रेफरेंस बुक्स, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स लिखे हुए हैं आपके पास, लेकिन जो ग्रीन में मैंने आपको यहाँ पर मार्क किए हैं बुक्स, ये बहुत अच्छे बुक्स हैं और इनको अगर आप परचेज करते हो दैट विल बी गुड फॉर यू। अब सेकंड जो नंबर बुक है ना, फर्स्ट और फर्स्ट दोनों सेम लिखे हुए हैं। अच्छा, सेकंड नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हैव इंजीनियरिंग बाय जे खन्ना, ये बुक आप परचेज कर लो, बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप जब कमीशंस वगैरह भी दोगे तो उस टाइम भी आपको यही बुक फॉलो करना पड़ेगा, लाजमी है। वर्क्स एंड सर्विस का कमीशन दोगे तो वर्क्स एंड सर्विस में हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट एक मेजर सब्जेक्ट होता है, रोड्स एंड बिल्डिंग इंजीनियरिंग के नाम से मेजर सब्जेक्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें वही कवर होती हैं जो मैं आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। तो ये पर्टिकुलर बुक आप परचेज कर लो। बाकी ये जो ट्रैफिक एंड हाईवे इंजीनियरिंग बाय गार्बर एंड होल है, ये PDF में आपको दे दूँगा, PDF में इंशाल्लाह मैं जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे रख दूंगा और व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको खुद ही डाउनलोड करना। लेकिन हाईवे इंजीनियरिंग बाय जे खन्ना आप परचेज कर लो। बाकी नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो 16 के स्टूडेंट से मैंने लिखवाए थे, वो तो आई थिंक तकरीबन स्टूडेंट ने परचेज़ किए होंगे। अगर परचेज नहीं किए तो वो नोट्स लाजमी पढ़ें, लाजमी परचेज करें, क्योंकि जब आप तकरीबन 10 लेक्चर होगा क्या होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, आपको याद होगा कि मैं क्लास टेस्ट, नंबर ऑफ क्लास टेस्ट ज़्यादा लेता हूँ, मिड से पहले 2 क्लास टेस्ट एंड मिड के बाद 2 क्लास टेस्ट। तो जब अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या करेंगे, हम स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करेंगे कि मिड से पहले 2 वायवा में आपसे लूँगा और मिड के बाद 2 वायवा लूँगा। वायवा में क्या होगा कि भाई जो भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हमने कवर किए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लेक्चर्स लिए हैं तो उस 10 लेक्चर्स में से वायवा 1 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 लेक्चर्स में से वायवा 2, इसी तरीके से वायवा 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे और उसमें उसके हिसाब से आपको मैं मार्किंग दूंगा। सो उस वायवा की प्रिपरेशन के लिए आपको वो जो पर्टिकुलर नोट्स हैं ना वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, नोट्स प्लस दिस पर्टिकुलर बुक हाईवे इंजीनियरिंग बाय जे खन्ना, इसको आप परचेज लाजमी कर लेना यार। ओके,
सो स्टार्टिंग अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक डेफिनेशन या सिंपल डेफिनेशन हम अगर बोलें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू मूव द पीपल एंड गुड्स इफिशेंटली, दैट सर्व्स टू मूव द पीपल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफिशेंटली। इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू मूव द पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफिशेंटली। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका काम यही होता है कि पीपल्स को और गुड्स को, गुड्स मीन्स जो भी आपके एटम्स वगैरह होते हैं उनको हम गुड्स कहते हैं, पीपल को और गुड्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर पर अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो, शिफ्ट करते हो, तो उसको हम सिंपली कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक पेन को आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखोगे तो ये भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेन हो जाएगी। एक बुक आप लेके आते हो, घर से लेकर एक बुक लेके निकलते हो और यूनिवर्सिटी तक लाते हो, तो दैट विल बी ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक। आप खुद उठ के आते हो सुबह घर से और यूनिवर्सिटी आते हो, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यू। ट्रांसपोर्टेशन बेसिक ये है कि भाई ट्रांसपोर्टिंग आर मूविंग ऑफ पीपल आर गुड्स आर पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट इफिशेंटली। अब इफिशेंटली वर्ड का मतलब क्या होता है? इफिशेंटली मत का वर्ड का मतलब है दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी रैपिड, दैट शुड बी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली कंफर्टेबल आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। इफिशेंटली का मतलब, अब सेफ का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर रोड आप डिज़ाइन कर रहे हो तो वो सेफ होना चाहिए, उसमें ऐसा ना हो कि उसमें अंडुलेंस हो, उसमें ऊपर नीचे